हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की यह वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में हम कैलकुलेटर का प्रयोग करना सीखेंगे। जी हाँ, कैलकुलेटर का प्रयोग आप टैली प्राइम में भी कर सकते हैं, ईआरपी 9 में भी कर सकते हैं। तो ईआरपी 9 में तो मैंने अभी तक बताया नहीं, लेकिन प्राइम में जरूर बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर, देखिए परचेज वाउचर में हम है और यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। और ये डेट, और फिर यहाँ पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर। ये सब तो पहले की बातें हैं, ये सारी चीजें आप बहुत सारे वीडियोज में सीख चुके हैं। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर एक स्टॉक आइटम ले लेता हूँ, कीबोर्ड, ठीक है। और इसकी 700 क्वांटिटी हम परचेज कर लेते हैं और एक क्वांटिटी की कीमत पड़ेगी 120 रुपए खरीद रेट। और यहाँ पर फिर माउस कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आते हैं और एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे माउस कर देता हूँ। तो ये माउस का 30 क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं और एक माउस पड़ रहा है हमको 90 रुपए खरीद रेट। एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आ गए। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, पॉइंट में डिफरेंसेस आते हैं जब आप जीएसटी कैलकुलेट करते हो, उस समय कभी हो सकता है कि पॉइंट में डिफरेंस आए, आपको लगता हो कि एक आध पॉइंट से कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि आपका जीएसटी कैलकुलेट होना चाहिए 709 रुपए 50 पैसे या 40 पैसे और आपका जीएसटी 710 रुपए कैलकुलेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में जोड़ने घटाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले हम क्या करते हैं, इस टैली को यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, फिर हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं या एक्सेल ओपन करके उस पर काम करते हैं। तो इन सब चक्कर से आपको आजादी मिल सकती है अगर आपको कैलकुलेटर का उपयोग करना आता है तो इस कंडीशन में कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करेंगे, चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले यहाँ जीएसटी लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लिया सीजीएसटी और फिर यहाँ पे देखिए एसजीएसटी भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। एसजीएसटी, ठीक है, ये लगा दिया हमने, दोनों लगा दिया 7803। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा जीएसटी हमने लगाया कितना है देखिए वो भी दिखा देता हूँ। यहां से चलते हैं, बाहर आते हैं और यहां से F11 की प्रेस करते हैं, ठीक है। और फिर ये देखिए पहले जीएसटी चेक कर लेते हैं कितना लगाया, किस तरह से लगाया, ये देखिए ये जीएसटी हमने लगाया है और बाय डिफॉल्ट कितनी जीएसटी हमने लगाई है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 18% जीएसटी हमने लगाया है, ठीक है, 18% लगाया है, ठीक है। अब 18% के हिसाब से उतना हमारा जीएसटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हम कैलकुलेटर का उपयोग करके चेक करेंगे। हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधा कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे और टैली प्राइम में ही ये चीज कर पाएंगे। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वापिस से चलते हैं परचेज वाउचर में और यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया और यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर कोई भी लगा लेते हैं। एंटरप्रेस करते हुए यहाँ नीचे आ जाएंगे और फिर यहाँ पे नीचे और फिर यहाँ पे परचेज का लेजर, फिर यहाँ कीबोर्ड कर लेते हैं। तो कीबोर्ड मान लीजिए 60 आइटम है, ठीक है, इस बार 60 ही आइटम ले रहे हैं और 120 रुपए का एक खरीद रेट पड़ रही है हमें। और फिर यहाँ पर आएंगे तो माउस की बात कर लेते हैं, तो ये माउस आ गया और माउस 100 आइटम परचेज किया हमने और एक ही कीमत पड़ी हमें खरीद 90 रुपए, ठीक है। तो ये आ गया, अभी देखिए कुल मिला के 16,200 रुपए आया हुआ है, ठीक है। अभी जीएसटी लगाते हैं इस पे, सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर पहले से बना रखा है, 1458 रुपए, 18% के हिसाब से 16,200 का 1458 रुपए आ रहा है, ठीक है, सीजीएसटी। और एसजीएसटी कितना आ रहा है, वो भी 1458 आएगा। तो यानी कि 16,200 आपका टोटल अमाउंट हो रहा है, ठीक है, और इसमें 1458 जुड़ जा रहा है, ठीक है। अब आपको चेक ये करना है कि 1458 और 1458 हुआ कितना, ठीक है। जैसे आप चेक कर लेंगे, मुझे पता है कि आप आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर का प्रयोग समझा देता हूँ, कंट्रोल एन प्रेस कीजिए और जैसे ही कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो नीचे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। आप देखिए यहाँ कुछ कैलकुलेट भी मैंने किया है, 11वीं लाइन पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर 1458 और 1458 को जोड़ लेता हूँ, एड कर लेता हूँ कि ये कितना होता है 1458 और 1458, ये जोड़ा हमने। तो देखिए ये 1458 कुल मिला के 2916 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा कुल मिला के टोटल अमाउंट कितना है, 16,200 रुपए है। तो 16,200 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18 से और डिवाइड कर देते हैं 100 से तो हमारा टैक्स आ जाएगा। तो एंटर प्रेस करते हैं तो 2916 रुपए आ रहा है, ठीक है। अगर हम 1458 और 1458 को जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर कितना आता है, 2916 रुपए आता है। इस तरीके से आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो बीच में भी कर सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे भी कर सकते हैं, ये तो मैंने बीच में करके दिखाया। पहले इसको सेव करता हूँ कंट्रोल ए प्रेस करके। अब मान लीजिए कि बाहर आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेटर का प्रयोग करना है तो आप खाली कंट्रोल के साथ एंड प्रेस कर दीजिए, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो भी मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना घटाना है, सब आप कर सकते हैं। 5×7 किया मैंने तो 35 आ गया। तो इस तरीके से आप ये बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आप आसानी के साथ काम कर पाएंगे। आप अगर आप यहाँ पर बैलेंस शीट में जा रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे बैलेंस शीट पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर आप कैलकुलेटर का प्रयोग करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस कर दीजिए केवल, और फिर यहाँ पर आ जाएगा कैलकुलेटर, और फिर यहाँ पर आपको जो भी जोड़ना घटाना है वो सारा काम आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं बहुत ही इजीली, आपको कोई भी दिक्कत पेश नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो से हेल्प जरूर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।